ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में. वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे होंगे? दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे हैं जो आज ट्रैवल कर रहे हैं. तो एक लाइट सा सब्जेक्ट अलग सा जो कि हमारा सिलेबस का एक पार्ट है, जो लास्ट पार्ट जो बचा हुआ था, आज अपना 100% सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा. ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं. तो दोस्त अब तक चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए टू द पॉइंट चीज़ों पे चलेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे. ब्रिज इंजीनियरिंग आप सबको पता है, ब्रिज का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ भी एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा, कोई भी, हम चाहे सड़क के ऊपर चल रहे हैं, चाहे रेलवे पे हैं, कहीं भी कोई भी एक पाथवे है या इवन कोई पानी भी फ्लो हो रहा है, उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसको कैसे क्रॉस करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रिज यूज़ करते हैं. तो ब्रिज इंजीनियरिंग की बात हो रही है यहाँ पे. ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है? आई होप सो यू आर अवेयर अबाउट इट नाउ. अब देखिए, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में बात कर लेते हैं. तो अलग अलग तरीके से हम ब्रिज को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि किस किस टाइप के ब्रिज होते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के हिसाब से अगर हम बोलें तो रेलवे, रोड, फुट ब्रिज हो सकता है पैदल चलने वाला, एक्वीडक्ट हो सकता है जहाँ पे भी कैनाल वाटर आएगा, वायाडक्ट हो सकता है. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो वैलीज के लिए जो हम ब्रिज यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वायाडक्ट होता है. नेक्स्ट, अलाइनमेंट के हिसाब से मतलब कि अगर आपकी रोड जा रही है स्ट्रेट, इस तरीके से आप जा रहे हैं और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑब्स्टेकल जो आए, बिल्कुल परपेंडिकुलर आए, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? स्क्वायर ब्रिज बोलेंगे. अगर एक एंगल पे आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्क्यू. तो स्क्वायर ब्रिज और स्क्यू ब्रिज का एग्जांपल, एक छोटी सी इमेज आपको यहां पे दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं. ऐसा कुछ दिख रहा है यहां पे, रोड है, इसके एक एंगल के ऊपर ये यहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग अपन इसको कर सकते हैं. लाइफ पीरियड पे अगर आप देखेंगे तो परमानेंट हो सकता है या टेम्परेरी हो सकता है. टेम्परेरी ब्रिज जो आपको पता है, आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशंस जैसा कि उनके अंदर अपन यूज कर सकते हैं. स्पान के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपसे. कलवर्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कलवर्ट कौन सा होता है जिसका स्पान लेस देन 6 मीटर होता है. फिर उसके बाद आ जाता है माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, लॉन्ग स्पान किसके अकॉर्डिंग? 8 से 30 है तो माइनर, उसके बाद 30 से 120 मीटर है तो मेजर, लॉन्ग स्पान कौन सा हो जाएगा? मोर देन 120 मीटर. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ हाई फ्लड लेवल, फ्लड लेवल के हिसाब से आपको बताता है. सबमर्सिबल, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि सबमर्स हो सकता है, उसके ऊपर से भी पानी फ्लो हो सकता है. और नॉन सबमर्सिबल मतलब ज्यादातर जो अपने परमानेंट ब्रिजेस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सबमर्सिबल होते हैं, उनके ऊपर से, उनके डेक के ऊपर से पानी कभी नहीं फ्लो करता है. नेक्स्ट अपन देखें तो फिक्स्ड और मूवेबल अपने पास होते हैं. फिक्स्ड का मतलब तो परमानेंटली फिक्स हो गया, वो कहीं नहीं हिल डुल नहीं सकता, वैसे ही रहेगा एज इट इज. मूवेबल ब्रिज की हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी? जैसी भी ऐसी जगह जहाँ से ब्रिजेस निकलेंगे, वाटरवेज में भी नेविगेशन करना है अपने को, तो वहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी? मूवेबल ब्रिज की. अब मूवेबल ब्रिज जो अपने होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं. एक बार मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो इमेज से ही आपको आइडिया लग जाएगा. मूवेबल के अंदर सबसे पहला आपका आता है स्विंग ब्रिज. स्विंग के अंदर क्या हो गया, ये ऐसे था लगा हुआ, स्विंग करके हम इस तरीके से इसको करवा सकते हैं. तो यहाँ से जो भी आपकी शिप है, कोई भी वाटरवेज से जो भी व्हीकल जा रहा है वो यहाँ से ट्रेवल कर सकता है. ये कौन सा हो गया? स्विंग हो गया, ये स्विंग कर रहा है. नेक्स्ट आपके पास आता है कौन सा ब्रिज? लिफ्ट ब्रिज. जैसा नाम ही आपको बता रहा है, लिफ्ट ब्रिज के अंदर क्या होगा, जब भी अगर इसके नीचे से शिप को निकलना है यहाँ से, तो ब्रिज को हमने यहाँ से लिफ्ट कर दिया, यहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो गया, यहाँ से शिप निकल जाएगी, वापस से इसको हम नीचे रख देंगे. नेक्स्ट देखिए, अगला ब्रिज आ जाता है बास्क्यूल ब्रिज. तो धूम 3 की याद आ रही होगी आपको, उसमें एक सीन था आमिर खान का, मिस्टर परफेक्शनिस्ट. तो वही कुछ सेम शिकागो के अंदर था आई थिंक सो. तो उस ब्रिज का नाम क्या है?
बेस्क्यूल ब्रिज। तो आपसे अगर पूछा जाए बेस्क्यूल ब्रिज जो हमारा है कौन सा ब्रिज होता है, बेस्क्यूल ब्रिज मूवेबल ब्रिज है। कहाँ देखा है आपने इससे याद कर लीजिए, धूम थ्री में आपने देखा होगा शिकागो में। नेक्स्ट, इस ब्रिज की खास बात क्या है कि इसके जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो 70 से 80 डिग्री तक क्या हो सकते हैं, लिफ्ट हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं 70-80 डिग्री तक, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट, स्विंग ब्रिज होता है, लिफ्ट ब्रिज होता है और अपना कौन सा हो गया बेस्क्यूल ब्रिज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फिर आ जाता है लोकेशन ऑफ ब्रिज फ्लोर, ब्रिज का फ्लोर जो है वो कहां रेस्ट कर रहा है, ये जो डेक है आपका कहां पे रेस्ट कर रहा है। तो एक बार आप इमेज देखिए, डेक ब्रिज किसको बोल रहे हैं हम यहां पे, जब जो डेक है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से ऊपर लाई कर रहा है। थ्रू ब्रिज कहां बोलेंगे, जब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऊपर है और जो आपका डेक है वो नीचे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू ब्रिज बोलते हैं। सेमी थ्रू के अंदर क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन है सेमी थ्रू ब्रिज, क्लियर। सो डेक ब्रिज कब बोलेंगे, व्हेन द ब्रिज इज ऑन द टॉप लेवल, जो आपका ब्रिज है वो टॉप लेवल पे है स्ट्रक्चरल मेंबर से। सेमी थ्रू कब बोल देंगे, व्हेन द ब्रिज इज ऑन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। और थ्रू टाइप, जब सुपर स्ट्रक्चर जो है आपका ऊपर है और बॉटम पे आपका क्या है ब्रिज। नेक्स्ट, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, गर्डर ब्रिज, पोर्टल फ्रेम, ट्रस ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, आर्क ब्रिज या फिर सस्पेंशन ब्रिज। मटेरियल्स के बेसिस पे टिम्बर का हो सकता है, मेसनरी हो सकता है, आरसीसी हो सकता है, प्री स्ट्रेस्ड हो सकता है, स्टील ब्रिज हो सकता है। ब्रिज के एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो ब्रिज के एलिमेंट्स में एक बार अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, पियर आप सभी को पता है, पियर क्या होता है, व्हाट इज पियर, पियर जो होता है आपका लोड बियरिंग मेंबर होता है और एक इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है। क्या होता है इंटरमीडिएट सपोर्ट, अगर आप यहां इमेज में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहां पे पियर्स दिखाई दे रहे हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स बोलते हैं। अबटमेंट्स क्या होती हैं, एंड्स के ऊपर जो सपोर्ट होती है उनको क्या बोलते हैं, अबटमेंट्स बोलते हैं आप। तो नेक्स्ट चीज अपना कि यही है कि अबटमेंट्स क्या होती है, तो जो एंड सपोर्ट होती है स्ट्रक्चर की उसको बोलते हैं अबटमेंट। बेड ब्लॉक किसको बोलेंगे, इट इज द ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ पियर ऑन अबटमेंट। तो अगर आप यहां पे देखें ये आपका पियर हो गया, पियर से ऊपर यहां पे बेड ब्लॉक लगा हुआ है जहां से कि लोड आएगा, लोड आएगा गर्डर पे, गर्डर से जो आएगा बियरिंग पे, बियरिंग के थ्रू कहां पे आ जाएगा बेड ब्लॉक, एंड देन आएगा आपका पियर या फिर जो अबटमेंट लगी होगी उसके ऊपर लोड आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैकफिल किसको बोलते हैं, तो जो भी पीछे सॉइल यूज टू फिल द स्पेस बैक ऑफ द अबटमेंट, जो अबटमेंट से पीछे जो स्पेस है वहां पे चाहे सॉइल है, कंक्रीट है, जो भी आपने फिल कर रखा है वो क्या हो जाएगा बैकफिल। थोड़ा स्लो बताना है, चलो थोड़ा स्लो बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैकफिल हो गया, कर्ब क्या होता है, हाईवे के अंदर भी आपने देखा था कर्ब क्या होता है, रेज्ड पोर्शन ऑफ द एज ऑफ कैरिज वे, रेज कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछता है, इसके डायमेंशन, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, तो विड्थ एंड हाइट याद रखना है, विड्थ कितनी है 600 mm दे रखी है आपको, हाइट कितनी 225, क्लियर। एक आपसे इसका स्लोप भी पूछ सकता है, रोड साइड स्लोप जो हम यूज करते हैं कब का वो कितना यूज करते हैं 1:8। फिर आता है विंग वॉल्स क्या होती हैं, दे आर रिटेनिंग वॉल्स कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन द अर्थवर्क ऑफ अप्रोच एम्बैंकमेंट बिहाइंड द अबटमेंट्स। सो अबटमेंट से पहले जो वॉल्स हम यूज करते हैं वो विंग वॉल्स होती हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे डायग्राम में, ये जो आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, कर्टेन वॉल किसको बोलते हैं, तो सॉरी कर्टेन वॉल किसको बोलते हैं, कर्टेन वॉल आपको ऑब्जेक्टिव में एज इट इज ये लाइन लिखी हुई मिलती है, द फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मेसनरी वॉल्स एंड बिलो द रिवर बेड। मेसनरी वॉल्स के बीच में और रिवर बेड के नीचे जो होती है फ्लोर, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्टेन वॉल बोलते हैं। फास्ट पढ़ाएं, देखो दोस्त मैं भी समझ पा रहा हूँ कि ना आपका टाइम क्रिटिकल है, ये टाइम आपका रिविजन्स का है, ये टाइम कोई नया सब पढ़ने का नहीं है, तो बस आप इसको एक बोनस सब्जेक्ट की तरह मान लीजिए कि फटाफट इसको हम कर लेंगे और जितने ही से एक घंटे के अंदर हमारे क्वेश्चंस हो पाएंगे जो भी हम कर लें इसमें वो बोनस है आपका, ठीक है। अगर ब्रिज इंजीनियरिंग और टर्नर से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं और अगर आप एक भी कर जाते हैं तो वर्थ है ये क्लास करना। चलिए जल्दी से बताते हैं, बियरिंग क्या होती हैं, बियरिंग्स आपने देखा होगा, बियरिंग ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, यहीं पे गर्डर से जस्ट नीचे ब्रिजेस बियरिंग यूज कर रहे हैं, लार्ज ब्रिजेस के अंदर यूज करते हैं हम, क्योंकि उनके अंदर जब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, द बियरिंग्स कंट्रोल नहीं मतलब उनको वो रेजिस्ट कर जाए प्रॉपरली। बियरिंग्स आर द डिवाइसेस यूज्ड इन लॉन्ग ब्रिजेस टू अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ हाई स्ट्रेसेस इन मेन गर्डर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड डिफ्लेक्शंस।
और शेलो और फिक्स प्लेट बेयरिंग कब सूटेबल होंगी, 12 मीटर तक, डीप कास्ट 12 से 20। रॉकर पूछता है आपसे, तो रॉकर बस याद रख लेना, रॉकर बियरिंग्स आर सुटेबल फॉर स्पान्स मोर देन 20 मीटर, 20 मीटर से ज़्यादा होगी तो रॉकर यूज करेंगे। स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग्स आर प्रोवाइडेड कहाँ से कहाँ तक, 12 से 20 मीटर तक। फिर सिलेक्शन ऑफ ब्रिज साइट, क्या हमारी साइट होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। स्ट्रीम जो है, जो पानी बहने वाला है वो स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रीम शुड बी नैरो, नैरो होनी चाहिए, विद वेल डिफाइंड फर्म बैंक्स, जो उसके किनारे हैं बैंक्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। देर शुड नॉट बी वर्ल्स एंड क्रॉस करेंट्स, जो भी क्रॉस करेंट है पानी जो है वो स्मूथली फॉलो होना, फ्लो होना चाहिए उनमें, उसमें से। देर शुड बी हाई बैंक्स, ऊंचे किनारे होने चाहिए, अबव हाई फ्लड लेवल ऑन ईच साइड, जितना मैक्सिमम उसके अंदर पानी आ सकता है उससे भी ऊंचे बैंक्स बने हुए होने चाहिए। द साइट शुड बी एट रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि अगर आप यहाँ पर बना रहे हैं रोड को, अगर आपकी ये रोड जा रही थी, इसके ऊपर आपको ब्रिज बनाना है, तो पता लगा यहाँ से इसके नीचे से, मान लीजिए ये ड्रेनेज है, पानी जा रहा है, ब्रिज इसके ऊपर बनाना है आपको, तो ब्रिज को आप रोड की अलाइनमेंट के साथ ही रखिए। ऐसा नहीं है कि इधर से बना के इधर से ऐसे जाना पड़ रहा है, अलाइनमेंट के साथ रखेंगे हम। नेक्स्ट, द साइट शुड बी रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी हो गया, द साइट शुड बी जियोलॉजिकली साउंड, जियोलॉजिकली भी वो जो साइट है वो साउंड होनी चाहिए, ग्रेडियंट सूटेबल होना चाहिए। As far as possible, it should not need river training. जो river training works है वो नहीं होनी चाहिए, उनकी requirement नहीं पड़नी चाहिए। Next, width of bridges की बात करें bridge design में, तो traffic survey के ऊपर depend करती है। Length of the bridge की बात करें, waterway के ऊपर depend करेगा, जो आपका waterway है वो कितना बड़ा है। हाइट ऑफ ब्रिज की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है, तो कितनी होती है, 1.2 से 1.5 मीटर अबव हाई फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर लेंगे हम। स्पान्स की अगर बात करें तो स्पान फिर से इन पे डिपेंड करता है, स्पान किस पे डिपेंड करेगा, मैसनरी आर्क होगा तो 3 से 15 मीटर, स्लैब ब्रिज होगा तो अप टू 9 मीटर, गर्डर एंड बीम्स होगा तो 10 से 60 मीटर, ट्रस ब्रिज होंगे तो 30 से 375 मीटर, सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं तो 500 मीटर तक भी हम क्या कर सकते हैं, स्पान को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पियर्स, किस किस टाइप के यूज कर सकते हैं, मैसनरी भी हो सकता है, आरसीसी पियर भी हो सकता है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन पियर क्या क्या हो सकती हैं, वर्टिकल लग सकता है, लोड जो आता है ऊपर से, वाटर प्रेशर लग सकता है, वाटर प्रेशर के अलावा भी जो स्टैटिक वाटर है उसका लगेगा, डायनामिक जो मूव कर रहा है, इंपैक्ट जो आ रहा है, ट्रैक्टिव फोर्स जो उसके ऊपर व्हीकल्स चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर उनका भी फोर्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फाउंडेशंस की बात करें तो फाउंडेशंस अपन को सारी फाउंडेशन जो भी, पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं, केशंस का यूज कर सकते हैं, वेल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं इसमें। परमानेंट स्मॉल ब्रिजेस की बात करें तो परमानेंट स्मॉल ब्रिज, एक बार आप इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो ब्रिज है किस टाइप का ब्रिज आपको यहां पे दिख रहा है, कैसा ब्रिज दिख रहा है ये। इस ब्रिज के ऊपर से भी तो पानी बह सकता है ना, अगर फ्लड लेवल राइज कर गया तो इसके ऊपर से भी पानी बह सकता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, कॉजवे है ये। कॉजवे क्या होता है, कैसा है, सबमर्सिबल, सबमर्सिबल ब्रिज मतलब इसके ऊपर से भी पानी बह सकता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोड्स नहीं होती वहाँ पे हम इसको बना सकते हैं, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं हम, तो कॉजवेज बोलते हैं इनको। दे आर कंक्रीट स्लैब्स एंड स्टोन पिचिंग एट बेड लेवल और स्लाइटली हायर लेवल ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम से थोड़ा सा ऊंचा लेवल होता है इनका। क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, फ्लश कॉजवे हो सकता है, लो लेवल, हाई लेवल कॉजवे। नेक्स्ट बात करते हैं कलवर्ट की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे। कलवर्ट आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्पान कलवर्ट का होता है 6 मीटर से कम होता है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि 6 मीटर से कम होता है। इट मे हैव 3 to 4 स्पान, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा आपको यहाँ पे इमेजेस में भी क्लियरली दिख रहा है। अगर नहीं क्लियरली दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, एक बार आप देखिए यहाँ पे पाइप कलवर्ट जिसके अंदर पाइप्स का यूज़ किया हुआ है, बॉक्स कलवर्ट में बॉक्स का यूज़ किया हुआ है, बॉक्स कलवर्ट्स हैं, आर्च कलवर्ट हो सकता है, और इसी तरीके से बीम होगी या स्लैब होगा तो सिंपल स्लैब यूज़ हो रखी होगी उस कलवर्ट के अंदर। नेक्स्ट फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ कलवर्ट हैज स्पान लेस देन, कितना स्पान होता है, 6 मीटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिज ऑफ स्पान 25 मीटर में भी ट्रीटेड एज, 25 मीटर का अगर स्पान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर ब्रिज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिज ऑफ मोर देन 120 मीटर स्पान, 120 मीटर स्पान से अगर ज्यादा होगा तो उसको लॉन्ग स्पान ब्रिज बोलेंगे। एज फार एज पॉसिबल द अलाइनमेंट ऑफ अ ब्रिज शुड बी, कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, जो भी उसके सामने ऑब्स्टेकल आ रहा है वो क्या 90 डिग्री पे एंड कट करना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेम्परेरी ब्रिजेस आर बिल्ट ड्यूरिंग, टेम्परेरी ब्रिजेस किसके दौरान होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन हो, चाहे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, सब में अपन इनका यूज कर सकते हैं टेम्परेरी ब्रिज का। मूवेबल ब्रिज, मूवेबल ब्रिज कहाँ पे बनाते हैं, चैनल्स के अलॉन्ग बनाते हैं। मूवेबल ब्रिज चैनल्स के अलॉन्ग बनाते हैं अपन, जहाँ से कोई व्हीकल्स या फिर जो वेसल्स होते हैं वो पास करें। अब बैस्क्यूल ब्रिज, बैस्क्यूल ब्रिज आपको बताया क्या था, एक मूवेबल ब्रिज का पार्ट था ना जो धूम 3 वाला था, मूवेबल ब्रिज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो कॉस्ट ब्रिज, इनमें से कौन सा लो कॉस्ट ब्रिज नहीं है, ज्यादा कॉस्ट किसमें लगती है, तो इसमें से देखें अपन, तो डिपेंड करता है, मूवेबल तब बोलेंगे जब अब हमें स्पेसिफाई कर रखा हो कि किस टाइप का है। तो जो आपका मैसनरी ब्रिज होता है वो सबसे कॉस्टली पड़ता है, तो इसीलिए लो कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, द एंड सपोर्ट्स ऑफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर आर नोन एज, एंड सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एंड सपोर्ट्स को क्या बोलेंगे, अबटमेंट्स बोलते हैं। अगला सवाल, द फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मैसनरी वॉल्स बिलो द रिवर बेड, थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसके बारे में पूछता है आपसे कर्टन वॉल के बारे में, कि द फ्लोर प्रोवाइडेड बिटवीन मैसनरी वॉल्स बिलो द रिवर बेड इज नोन एज कर्टन वॉल। थोड़ा सा तेजी से इसलिए चल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम टाइम में हमें यही चाहिए होता है, फटाफट क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ, क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ, डायरेक्ट सब कुछ फीड हो रहा है। तो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि अभी दिमाग में क्या चल रहा है आपके, तो बस उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। विड्थ एंड हाइट आपको अभी बताया, विड्थ एंड हाइट ऑफ कर्ब अपन लेते हैं वो कितनी लेते हैं, हाइट कम होती है विड्थ ज्यादा होती है, तो 600 mm × 225 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड साइड स्लोप ऑफ कर्ब आपको अभी बताया था 1:8 होता है, तो 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आपको बताया था एक स्टेटमेंट की जो बैंक्स है वो हाई होनी चाहिए, यहाँ क्या लिख रखा है, शुड नॉट पोजेस हाई बैंक्स, तो ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है यहाँ पे, ब्रिज जो है नैरो हो, बी एट रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी, बी जियोलॉजिकली साउंड, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी सर्वे शुड बी कैरिड आउट टू एटलीस्ट डिस्टेंस ऑन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे जो हम सर्वे करेंगे 200 से 500 मीटर का, प्रिलिमिनरी सर्वे क्रॉस सेक्शंस एट 50 मीटर के डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शंस लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द ब्रिज इज कैप्ट, हाइट ऑफ द ब्रिज आपको बताया 1.2 से 1.5 मीटर ऊपर रखेंगे हाई फ्लड लेवल से। मैसनरी आर्क ब्रिजेज आर यूज टू स्पैन, मैसनरी आर्क जो ब्रिजेज हैं वो हम कितने स्पान के लिए यूज करते हैं, 3 से 15 meters के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, स्लैब ब्रिजेज आर यूज टू मैक्सिमम स्पैन ऑफ, स्लैब ब्रिजेज जो अपन यूज करते हैं कितने स्पान के लिए यूज करते हैं, तो 9 meters तक। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पियर मे बी, क्रॉस सेक्शन पियर का कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर एजेस टूवर्ड्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो जो अपस्ट्रीम की तरफ भी ट्रायंगुलर हो सकता है और डाउनस्ट्रीम की तरफ भी ट्रायंगुलर, या ऐसा कुछ, कर्व्ड फेसेस ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द कंक्रीट पियर मे बी रेज्ड, कितना रेज कर सकते हैं जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो पर डे 600 mm रेज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCC पियर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर नॉट यूज्ड, इनमें से कौन सी शेप के पियर्स जो है हम यूज नहीं करते, तो टी शेप के पियर हम इसमें नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ पियर्स द वाटर प्रेशर टू बी कंसिडर्ड इज, कौन सा वाटर प्रेशर कंसिडर करते हैं, स्टैटिक भी करते हैं, डायनेमिक भी करते हैं, इंपैक्ट ड्यू टू क्रॉस करंट भी करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन फॉर अ कलवर्ट, कलवर्ट के लिए जो सुटेबल फाउंडेशन होती है वो स्प्रेड फाउंडेशन होती है। नेक्स्ट, फॉर अ मेजर ब्रिज यूजुअली द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज, मेजर ब्रिज के लिए जो फाउंडेशन यूज करते हैं वो वेल फाउंडेशन होती है। ब्रिज ओवर अ ड्राई वैली, ड्राई वैली के ऊपर से जो ब्रिज होता है, आपको पहले ही बताया था मैंने, वी फॉर वैली, वी फॉर वायाडक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर फ्लश विद बेड ऑफ द स्ट्रीम इज नोन एज, इसको कॉजवे बोलते हैं, आप सभी को पता है फ्लोर फ्लश जो आपका होगा उसके ऊपर से भी पानी बह सकता है, कॉजवे आपको इमेज से भी दिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कलवर्ट, इनमें से कौन सा कलवर्ट का टाइप नहीं है, पाइप कलवर्ट अभी देखा था, बॉक्स कलवर्ट देखा था, थ्रू कलवर्ट क्या होता है ऐसा कुछ, थ्रू ब्रिज तो था, थ्रू कलवर्ट ऐसा नहीं सुना, स्लैब कलवर्ट होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द स्कावर लाइन इन एन आर्क ब्रिज फॉर पियर शुड नॉट बी लेस देन 1.8 meters से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन इज नोन एज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था कॉफर डैम, बताया था कॉफर डैम के यूज बताए थे, तो कॉफर डैम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड प्लेट बियरिंग प्लेट्स आर सुटेबल फॉर स्पान्स अप टू, फिक्स्ड प्लेट कहाँ तक यूज करते हैं, 12 मीटर तक यूज करते हैं। डीप कास्ट बियरिंग कहाँ तक यूज करते हैं, 12 से 120 मीटर, 12 से 20 मीटर तक करते हैं।
रॉकर बेयरिंग कहाँ यूज करते हैं, आपको बताया था रॉकर का, याद रख लेना, 20 मीटर से ज्यादा के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इफ अ रॉकर एंड रोलर बेयरिंग इज प्रोवाइडेड एट वन एंड ऑफ द ब्रिज गर्डर देन द अदर एंड विल बी, एक एंड पे तो प्रोवाइड कर दिया रॉकर और रोलिंग, दूसरे एंड पे क्या प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ रॉकर बेयरिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टनल इंजीनियरिंग, तो टनल इंजीनियरिंग क्या होता है, टनल इंजीनियरिंग बच्चे बच्चे को पता है टनल इंजीनियरिंग क्या होता है, जब भी हमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है बड़ा, कोई भी रॉकी मास आ गया है उसके थ्रू अगर हमें पास करना है तो हम क्या बना लेते हैं, टनल बना लेते हैं। अब टनल भी वही बात आ जाती है, टनल आपका क्या क्या काम है टनल का, तो आप रोडवे के लिए यूज कर सकते हैं उसको, रेलवे के लिए यूज कर सकते हैं टनल्स को, वाटरवे के लिए यूज कर सकते हैं टनल को, तो जो भी पर्पज आपका होता है उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो भी आप पाथ बनाते हैं किसी सॉइल मास या रॉक मास के थ्रू उसको बोलते हैं हम टनल बोलते हैं। मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, तो टनल इज एन अंडरग्राउंड पैसेज वे डग थ्रू द सराउंडिंग सॉइल अर्थ रॉक एटसेट्रा एनक्लोज्ड एक्सेप्ट फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। एंट्रेंस और एग्जिट तो ऑब्वियसली हम नहीं रखेंगे, वहां पे तो रॉक या अर्थ नहीं होगी, हम कहां से पास करेंगे वरना। अ टनल में भी फुट के लिए हो सकती है, व्हीकुलर रोड ट्रैफिक के लिए हो सकती है, रेल ट्रैफिक के लिए हो सकती है, या कैनाल के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल को कम कर देता है हमारा, अगर मान लीजिए कोई हमने यहाँ पे ऐसा कुछ था, कोई माउंटेन था, कोई हिल था, तो एक तो हमें इसके बाहर से घूम के जाना पड़ता तो डिस्टेंस ज़्यादा लगता, टाइम ज़्यादा लगता, एक हम इसके थ्रू टनल बना के यहाँ से पास कर सकते हैं तो बेटर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको, प्रोविजन ऑफ इजियर ग्रेडियंट, तो सेम चीज़ अगर आपको ग्रेडियंट के ऊपर चढ़ के इधर से ऐसे जाना पड़ता इसके बजाय आपने टनल बना ली। रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट, एक बार अगर आपने टनल बना ली तो बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है इसका। अवॉइड्स इंटरफेरेंस विद सरफेस, तो जो भी सरफेस इंटरफेरेंस है वो नहीं होती है इसके अंदर। फ्रीडम फ्रॉम स्नो एंड आइसबर्ग, स्नो आइसबर्ग ये सब नहीं आएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वेइंग की, तो सर्वेइंग के अंदर आपको पता है सबसे पहले हम रिकॉन्सेंस सर्वे करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे जब हो जाएगा तो उसके बाद सेंटर लाइन सेटअप कर देंगे, सेंटर लाइन सेटअप करने के बाद हिली रीजन्स के अंदर हम ट्रायंगुलेशन का यूज करते हैं, तो अगर पूछा जाए हिली रीजन में सर्वेइंग में क्या करेंगे तो ट्रायंगुलेशन। After the coordinates of various portals and shafts have been finalized, setting out is starting from various portals and shafts. Transfer the alignment through the shafts. तो basic से बातें हैं, आपको mainly बस इसके question पढ़ने हैं दो बार पढ़ने हैं questions, जितने याद हो जाएं ठीक है, अगर question आ गया तो कर देना bonus है, नहीं आया तो tension नहीं लेनी है ज़्यादा। Next question, firm ground अगर हम use करें, method of tunneling in soft strata, क्या क्या methods हो सकते हैं soft strata के अंदर tunneling के। इन फर्म ग्राउंड फुल फेज मेथड होता है, टॉप हेडिंग एंड मैंचिंग होता है, ड्रिफ्ट मेथड होता है। सॉफ्ट ग्राउंड के अंदर अगर टनलिंग कर रहे हैं हम तो मल्टीपल ड्रिफ्ट मेथड होता है, फोर पोलिंग होती है। टनलिंग इन रनिंग ग्राउंड की अगर बात करें तो निडल, फ्लाइंग और लाइनर, ये तीन मेथड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें मेथड्स ऑफ टनलिंग इन रॉक्स के अंदर, तो ड्रिलिंग होल्स बनाते हैं सबसे पहले इन द रॉक फेस, लोडिंग द होल्स विद एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव्स को उसके अंदर लोड करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वहाँ से जो भी मलबा कह लीजिए आप या जो भी रॉक्स का जो वेस्टेज आएगा उसको बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे उसको, जिसको क्या बोलते हैं मकिंग बोलते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ द ब्रोकन रॉक, द कॉमनली अडॉप्टेड मैथड्स क्या क्या होते हैं, पहला मैथड होता है फुल फेस मैथड, टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग, बॉटम हेडिंग एंड स्टॉपिंग, ड्रिफ्ट मैथड। ड्रिफ्ट मेथड के अंदर क्या होता है, ड्रिफ्ट अपने पास एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, टॉप ड्रिफ्ट, बॉटम ड्रिफ्ट, साइड ड्रिफ्ट, मतलब हर तरफ से एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है ड्रिफ्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टॉप एक्सकेवेशन, बॉटम या फिर साइड वाली। ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, थोड़ा सा है भी बोरिंग, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सब्जेक्ट बस एक घंटे के लिए ही तो पढ़ना है, एक घंटे पढ़ लिया और दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी आए उनमें से अगर एक भी बन गया तो इट्स वर्थ। नेक्स्ट, फिर उसके बाद कुछ आपको ड्रिलिंग पैटर्न दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल, पिरामिड, फैन, वी कट, सिलेंड्रिकल कट एटसेट्रा। एक्सप्लोसिव जो यूज़ करेंगे अगर पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा करते हैं, अमोनिया डायनामाइट यूज़ करते हैं, सेमी जिलेटिन यूज़ करते हैं, जिलेटिन भी यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, जो भी मटीरियल यूज़ करते हैं हम टनल की लाइनिंग के लिए, चाहे आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं, कोई ब्रिक लाइनिंग, स्टोन मशीनरी लाइनिंग, टिम्बर लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग, कास्ट आयरन लाइनिंग,
कास्ट स्टील लाइनिंग, स्ट्रक्चरल स्टील लाइनिंग एंड कॉमनली अडॉप्टेड, ये सब हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ग्राउटिंग का यूज़ करेंगे, जो भी क्रैक्स या जो फिशर्स डेवलप हो जाते हैं या उसमें होते हैं तो उनके थ्रू पानी लीक करके हमारी टनल में ना आए, इसके लिए हम ग्राउटिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ड्रेनेज कंडीशंस का पूरा हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, बाहर से पानी टनल के अंदर ना आ पाए उसको भी रोकते हैं, अंदर से कहीं लीकेज से ना आए उसको भी रोकते हैं, ड्रेन्स का प्रोविज़न रखते हैं ड्रेन्स के थ्रू पानी ड्रेन आउट हो जाए। ये कुछ कुछ बातें हैं यहाँ पे। फिर आ जाता है टनल वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड मकिंग। टनल वेंटिलेशन के अंदर क्या आता है, आपको पता है टनल अगर बहुत लंबी है तो उस लंबी टनल के अंदर जब व्हीकल्स मूव करेंगे तो उनके अंदर व्हीकुलर एमिशंस होंगे, गैसेस निकलेंगी बाहर, जिसके कारण कि वहाँ पे क्या प्रॉपर ऑक्सीजन आ पा रही है। तो उसके लिए या तो हम एग्जॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं तो जो भी फाउल गैसेज है वो वहाँ से निकलती जाएंगी, लेकिन अगर टनल बहुत लंबी है एग्जॉस्ट अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ से गैसेस को हो, ये तो हो सकता है कि हम बाहर तो निकाल दें लेकिन फ्रेश एयर, तो उसके लिए हमें फ्रेश एयर भी वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो या तो एग्जॉस्ट का यूज़ कर लो आप, या फिर फ्रेश एयर वहाँ पे प्रोवाइड कर दो, या फिर दोनों यूज़ कर सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन इन दोनों का। उसके बाद आ जाता है वेंटिलेशन हो गया, लाइटिंग किसको बोलते हैं, लाइटिंग आप सभी को पता है, लाइटिंग लाइट डेफिनेटली चाहिए देखने के लिए, वरना व्हीकल्स मूव कैसे करेंगे प्रॉपरली। दो उनकी खुद की भी लाइट होती है लेकिन टनल्स के अंदर प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए हमें, तो लाइटिंग की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है मकिंग। मकिंग का मतलब जैसे जैसे आप टनल बनाते हुए जा रहे हैं तो उस टनल के अंदर जो भी रॉक्स के टुकड़े हैं, ब्रोकन रॉक्स हैं, उनको भी बाहर निकालना होगा, तो उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप वहाँ पे रेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उन रेल्स के ऊपर आप ट्रेवल करवा देंगे ट्रॉलीज के अंदर, जो भी वेस्ट निकल रहा है वो बाहर आ जाएगा, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, उन बेल्ट्स के ऊपर आप जो भी मटेरियल है उसको आप डाल दीजिए वो बाहर चला जाएगा वहाँ से। इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कन्वेइंग बेल्ट, हॉर्निंग ऑन, या फिर न्यूमेटिक टायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें थी। अब उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन लगभग यहाँ पे लगभग 30-36 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर जाएंगे सिर से ऊपर से, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और ना अपने पास अभी इतना दिमाग यहाँ पे खर्च करना है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों अपन ऐसे भी बोल सकते थे अपन कि छोड़ देते हैं चलो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जब सारा सिलेबस कंप्लीट किया है तो सिर्फ एक टॉपिक ही बच रहा था, ये भी कवर कर ही लेंगे, तो उन बच्चों को परेशानी नहीं होगी जो ऐसे सोच रहे थे कि टनल ब्रिज नहीं हुआ। कल का दिन पूरा है आपके पास, ये क्वेश्चन और जो ब्रिज के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सारे मिला के 70-80 क्वेश्चन होंगे, दो बार पढ़ लेना, दो बार रीड कर लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इनसे रिलेटेड बन जाएगा आपका। ऑफ्स्पर टनल्स कौन सी होती हैं, शॉर्ट लेंथ टनल्स कंस्ट्रक्टेड टू नेगोशिएट माइनर लोकल ऑब्स्टेकल्स, छोटे ऑब्स्टेकल के लिए बनाते हैं हम कौन सी, ऑफ्स्पर टनल। सैडल और बेस टनल कौन सी होती हैं, सैडल और बेस टनल। बेस टनल किस टाइप की टनल होती है, जिसके अंदर जैसे आपने सैडल की बात की थी ना, सर्वे के अंदर हमने सैडल पढ़ा था, तो दो वैलीज को ये क्या कर देता है, अगर ये वाली टनल कनेक्ट कर देती है, एक तो इस तरफ वाली और एक इसके इस तरफ वाली, तो ऐसी जो टनल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल या बेस टनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप टनल्स कौन सी होती हैं, स्लोप टनल्स कौन सी होती हैं, ऐसी टनल्स जो कि स्टीप हिल्स के अंदर प्रोवाइड करें, यहां से ये जो है बहुत स्टीप है नीचे की तरफ, तो स्लोप टनल्स कौन सी होती हैं, टनल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन स्टीप हिल्स। नेक्स्ट, स्पाइरल टनल्स कौन सी हो जाती हैं, स्पाइरल टनल्स होती हैं टनल प्रोवाइडेड इन नैरो वैलीज टू इंक्रीज द टनल लेंथ। नैरो वैलीज के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं स्पाइरल टनल, टनल की लेंथ को बढ़ाने के लिए और स्टीप स्लोप को कम करने के लिए। नेक्स्ट, सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल्स किसके लिए सूटेबल नहीं होता, कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। सूटेबल होता किसके लिए है सर्कुलर वाला, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ टनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेक्टेंगुलर जो सेक्शन होता है टनल का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ड रॉक्स के लिए। हॉर्सशू सेक्शन, हॉर्सशू सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है, हॉर्सशू सेक्शन जो आपका होता है किसके लिए, सॉफ्ट रॉक्स के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, सीक्वेंस इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो सबसे पहला आपका फर्स्ट, सबसे पहले होगा क्या, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, मकिंग, उसके बाद क्या होगा, टिम्बरिंग, और उसके बाद पंपिंग। ठीक है, तो 1-4-3-2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ गुड ब्लास्ट विद अ गुड यील्ड इज ऑब्टेंड, किसके इसमें, जब वो इंक्लाइंड हो किसके साथ, 45 डिग्री टू द फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू अ सिंगल फ्री फेस, इफ अ चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव इज प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू सर्फेसिस,
टू फेसेस देन द यील्ड, यील्ड कितनी हो जाएगी 2.25 से इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परक्यूशन ड्रिल्स, तो इनमें से जो वैगन ड्रिल और चर्न ड्रिल है ये परक्यूशन ड्रिल है। ड्रिफ्टर्स कैन बी यूज टू ड्रिल, ड्रिफ्टर हम अप होल्स के लिए, डाउन होल्स के लिए, हॉरिजॉन्टल होल्स के लिए, सभी के लिए ड्रिफ्टर का प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार अगर आपको देखना हो तो आप गूगल कर लेना ड्रिफ्टर, तो आपको एक इक्विपमेंट दिखेगा जो कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर n नंबर ऑफ शाफ्ट हम यूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेस अवेलेबल जो होते हैं अटैकिंग के लिए, एक्सकेवेशन के लिए, वो हमारे पास होते हैं 2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ड्रिलिंग इक्विपमेंट का किस केस में इंक्रीजिंग साइज ऑफ होल्स, तो सबसे पहले होता है वैगन, फिर उससे ज्यादा चर्न, फिर उससे ज्यादा शॉर्ट रेल। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द शील्ड, शील्ड का लाइनर प्लेट जो है वो कॉम्पोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्रेस्ड एयर टनलिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर, फ्री एयर जो अपन प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं 6 m³ पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फेस एरिया। नेक्स्ट, अमेरिकन मेथड ऑफ जो टनलिंग होता है वो सुटेबल होता है लार्ज साइज टनल्स के लिए। लॉगिंग्स अपन यूज करते हैं रिटेन द फिल, फिल को रिटेन करने के लिए लॉगिंग्स का यूज करते हैं। कॉलर ब्रेसिस का यूज होता है टू प्रिवेंट द सेगमेंट्स ट्विस्टिंग आउट ऑफ द लाइन, सेगमेंट्स को ट्विस्ट नहीं होने देता है। वॉल प्लेट्स का यूज होता है आर्क रेब को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, सेगमेंट्स आर यूज फॉर, सेगमेंट्स का यूज करते हैं रूफ लोड को कैरी करने के लिए। डैश लाइनिंग मटीरियल इज यूजफुल फॉर शील्डिंग ड्रिवन टनल, तो इस केस में हम यूज करते हैं कास्ट आयरन का। नेक्स्ट, अगर डी डायामीटर है टनल का तो थिकनेस ऑफ लाइनिंग जो होती है mm में, डायामीटर किस में दे रखा है मीटर्स में, थिकनेस किस में दे रखी है mm में, तो होता है 82 टाइम्स ऑफ डी, तो 82 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टनलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड सीवर्स, तो इसके लिए आर्मी मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, रिब्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड स्टिफनिंग द लाइनर प्लेट फॉर टनल, तो 3 m आता है डायामीटर इनका, 3 m से ज्यादा होना चाहिए। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कंप्रेस्ड एयर टनलिंग होती है क्ले। द नीडल बीम मेथड ऑफ टनलिंग किसके लिए सुटेबल होता है हमारा, फॉर सॉइल्स इन विच रूफ कैन स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स विदाउट सपोर्ट, इज सुटेबल फॉर ब्रिक लाइनिंग, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेंचेक्स। विच टनलिंग मेथड इज यूज फॉर लॉन्ग टनल्स, तो लॉन्ग टनल्स के लिए ऑस्ट्रियन मेथड यूज करते हैं। इन बेल्जियम टनलिंग मेथड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ is completed before invert and side walls are built, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct sequence of the following events, इन सीक्वेंस, इन इवेंट्स का सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मार्किंग द टनल प्रोफाइल, तो सबसे पहला हो जाएगा अपना। उसके बाद आएंगे स्टेप 6 पर, सेटिंग अप एंड ड्रिलिंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लोड करेंगे एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग, तो आ जाएगा अपना स्टेप 2। फिर उसके बाद आएंगे स्टेप 5 के ऊपर, रिमूविंग द फाउल गैसेस। फिर जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर, चेकिंग मिसफायर। उसके बाद जाएंगे हम स्टेप 4 के ऊपर, मकिंग, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में करेंगे गनेटिंग, जो रिपेयर कर देंगे अगर कोई क्रैक्स वगैरह है वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट टनल्स इन रॉक। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेलवेज कट एंड कवर मेथड जो अपन यूज करते हैं किस सुटेबल में होता है, सॉइल जब सॉफ्ट होती है, वाटर लेवल जब हाई होता है। Which of the following is considered to be an advantage of the heading and benching method of tunnel construction? Heading or benching method का जो advantage होता है वो क्या होता है कि tunneling can be continuous and work can be expedited. Egg shaped sewer जो use करते हैं, sorry tunnel use करते हैं, sewers में use करते हैं। Segmental roof जो use करते हैं, कहाँ use करते हैं, subways में use करते हैं। फुल फेज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट ऑपरेशन जो आता है वो आता है एक्सकेवेशन बीइंग डन अलोंग द पेरिफेरी, पेरिफेरी आउटर बाउंड्रीज के अलोंग अपन एक्सकेवेशन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ शील्ड, शील्ड का कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या है आपका, कटिंग एज है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप।
चलिए अब देखते हैं, आप रुक जाइए। हाँ जी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा था, कंप्लीटेड। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, कंप्लीटेड। बिल्डिंग मटेरियल्स कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर डन, सुपर स्ट्रक्चर डन, फिनिशेस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, उसके अलावा जो एडवांस कंक्रीटिंग थी वो भी हो गई। नेक्स्ट बात करें सर्वेइंग, बहुत अच्छे से कंप्लीटेड। कैड एक क्लास के अंदर अपना हो गया था, प्लस पे 2-3 क्लास में हुआ था। सारी कमांड्स वगैरह जितना बेसिक हो सकता है वो कर लिया अपन ने। जियोटेक हो चुका, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील हो गया, RCC हो गया, सब कंप्लीटेड। नेक्स्ट 19 ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कंप्लीटेड। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका रेलवे भी हो गया, आज ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग जो इतने टाइम से आपको परेशान कर रहा था वो भी हो चुका है, हाईवे इंजीनियरिंग हो चुका है, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग हो चुका है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, ये सब हो चुका आपका। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, ये अपन ने एक क्लास के अंदर ही कर लिया था यहाँ पे, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो सिंपल सी बात, 4th February आपको जो प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक दिन पहले एग्जाम से सही। ठीक है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है हमने, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से हमारे पास सारा कंटेंट भी है, PDFs हैं, आपने नोट्स भी बनाए होंगे अपने हाथों से। ठीक है, तो सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, ऑल कंप्लीटेड। किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर फिर भी कोई शिकायत हो तो बता देना दोस्त, ठीक है, हम लोग भी इंसान हैं, हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक्स, कहीं पे भी हो जाती हैं। और अगर लगभग अपन बात करें तो न सिर्फ अपन ने सिलेबस कर लिया, इस सिलेबस के साथ साथ अपन ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, MCQs किए हैं बहुत सारे। अभी हाल फिलहाल में चाहे आप मैराथन्स में भी देखें अगर, तो 500 वो और बाकी डेली की क्लासेस में जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं मिनिमम 60-70 क्वेश्चंस तो अपने चल ही रहे हैं, किसी में 150, किसी में 100 से ऊपर, तो ओवरऑल 1000s मान लीजिए टोटल, अगर क्लासेस वाले भी आप काउंट करेंगे तो 2000 प्लस तो ओवरऑल गए ही गए हैं। तो अब ये हो गया, ठीक है, सिलेबस डन कंप्लीटेड। बस ये सिर्फ इतना सा बताना था आपको कि शुरू से लेके आज तक अगर हम आपको कहते आ रहे हैं कि हाँ आप हमें, आप हम पे भरोसा कर सकते हो, तो हमने वही यहाँ पे कोशिश किया दोस्तों पूरा करने की। दूसरी बात, चलो ये बात तो अपन कल कर लेंगे, अभी एक क्लास तो और भी होनी है अभी, और अपना एनालिसिस भी आना ही है। दूसरी बात, जो भी दूसरी बात कि आपका एग्जाम जब होगा तो एग्ज़ाम के बाद आप प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, चाहे तो आप वाईफाई स्टडी की जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा हैंड टू हैंड, ताकि उसका एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। और दूसरी बात, चाहे आप मेल आईडी पे प्रोवाइड कर दीजिए ना, इस पर SRJYANI@gmail, कहीं पर भी जहां आपको सूटेबल लगे आप मेल कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आए आपके जिस भी शिफ्ट के अंदर तो आप इस पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपन करना क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे आज ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, आप में से बहुत सारे, हाँ जी, जो भी, ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपके सजेशन हो, कॉम्प्लीमेंट्स हो, आज की क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर प्रोवाइड कर देना, क्योंकि ये चैट वाले तो हमें दिखते नहीं हैं ना, चैट वाले सारे ऐसे चैट पीछे स्क्रॉल करके पढ़ पाते हैं, तो जो भी हो आप कमेंट्स के अंदर बता देना, तो हमें भी दिखेगा, औरों को भी दिखेगा कि ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो अब तक का कैसा रहा। और लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस खत्म नहीं हुआ है, द जर्नी हैज़ नॉट एंडेड इट येट, तो अभी एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस करना है, तब अपनी पूरी बातें कंप्लीट होगी, और बातें तब कंप्लीट होगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो तब तक की बात, तो चलो बात की बातें हैं। अभी हाल फिलहाल ये है कि बहुत सारे लोग तो आज आप में से ट्रैवल कर रहे होंगे, रस्ते में होंगे आप लोग, तो पहली बात बस ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे परेशान कर रही होंगी कि सब कुछ पढ़ लिया है, 2 दिन बाद पेपर है,
क्या करें, याद रहा नहीं रहा, नॉन टेक का कैसे होगा, 50 नंबर का नॉन टेक है, टेक्निकल का तो चलो ठीक है मैंने सारे एक बार याद रहा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैंने कम से कम सारे टॉपिक्स तो कवर कर रखे हैं, जो मेजर चीज़ें हैं वो तो कवर कर रखी हैं, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर वो तो मैंने कवर कर रखी हैं, लेकिन क्या मुझे याद आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो ऐसी बातें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो इस टाइम आपको ज़रूरत है अपने दिमाग को थोड़ा सा स्लीप मोड में ले जाने की या रेस्ट मोड में ले जाने की, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। बहुत मेहनत कर ली आपने, मेहनत कर ली, अच्छी खासी मेहनत कर ली है, अब जितना आपको पढ़ना चाहिए था उतना आपने काफ़ी पढ़ लिया है। अब जो कल का दिन आपका बचेगा, आज रात को प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि आज और कल की नींद जो है वो आपको एग्ज़ाम में एनर्जी देगी। तो प्रॉपर आप 6 घंटे 8 घंटे सो जाइए, उसके बाद कल सुबह जल्दी उठ के फटाफट से अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ रिवाइज़ करना है, फटाफट रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ कर लीजिए। 6 महीने के करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, पिछले जो भी 6 मंथ के अंदर अंदर जो आपके 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 6 मंथ्स की आपके ऐसे नहीं पढ़ने बैठना कि अब सब कुछ पढ़ने बैठ गए, वीडियोस होती है ना जैसे भुवनेश्वर ने प्रोवाइड किया है, जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के पिछले 3 महीने के 6 महीने के, वो एक बार देख लेना, उससे रिलेटेड अगर आपको हो तो वहाँ देख लेना, जीके जीएस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो भी आपसे जैसे मैम ने भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए होंगे आपको, टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 500 या ऐसा कुछ, तो 2 घंटे लगेंगे आपको एक बार गो थ्रू करने में। तो लास्ट टाइम में ऐसा होता है, हम टेक्निकल वालों के साथ कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि नॉन टेक में हम वीक होते हैं, और लास्ट टाइम में अगर हमने कुछ देख रखा होता है तो ऐसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सिर्फ उसी मोड के अंदर आपको करने हैं। कब करने हैं ऐसे क्वेश्चन आपको? जब आप कल इतना कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ मेरा टेक्निकल हो चुका है, तब मैं इस पे थोड़ा सा बस फटाफट देख लेता हूं एज अ बोनस मार्क। अगर आपने नॉन टेक चाहे तो आप ले लीजिए, चाहे करंट अफेयर ले लीजिए, चाहे आप एनवायरनमेंट पढ़ लीजिए, कुछ भी, अगर आपने स्ट्रेस लेके पढ़ा कि मुझे सब याद करना है तो ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा। आप बस ऐसा मान के चलिए कि मुझे इसका क्या करना है, सिर्फ एक बोनस मार्क्स, कि क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मेरे 2 नंबर और ऐड हो जाएंगे। तो बस यही करना है आपको। आरआरबी जेई के बाद देखो दोस्तों, बिल्कुल चाहे आप चाहे प्लस वाली बात कर लीजिए, प्लस के अंदर तो अपनी ऑलरेडी एसएससी की क्लास चल रही है, अभी तो 1 घंटे की है तो उसके अंदर अपन लिमिटेड टाइम दे पा रहे थे दोस्त, क्योंकि अभी आज का भी अगर अपन देखें तो टोटल ओवरऑल 7 से 8 क्लासेस हो गई हैं यूट्यूब वाले मिला के, ठीक है, तो उसमें से 1 SSC की है, 1 अपनी YouTube वाली है, बाकी सारी प्लस की हैं। तो प्लस के ऊपर भी ऑलरेडी अपन एग्जाम टाइम में आके भी अपन इतना इतना टाइम दे रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं वहाँ पे आरआरबी के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ इतना प्रोवाइड करना ही है। शुरू में आपको बोला था कि 1 घंटे की क्लास होगी, उसके अलावा नॉन टेक की क्लासेस भी मिलेंगी, NTPC मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन 1 घंटे की टेक्निकल से अपन ने एक और बढ़ाया, फिर उसके बाद एक और बढ़ाया, फिर उसके बाद इन दिनों तो बहुत टाइम से तो 4-4 क्लासेस ही चल रही हैं टेक्निकल की, तो बहुत सफिशिएंट टाइम मिला है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस यहाँ पे आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा कंक्लूजन, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अब प्लस ज्वाइन किया, ठीक है, मैं प्लस का कोई यहाँ पे स्पेशली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ इंटरेक्शन की और जो टाइम अपना इंटरेक्शन का है उसकी। यूट्यूब पे अपने को मिल पाता है 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां पे ठीक है यहाँ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है जैसे प्लस के अंदर अपन डेली पिछले अगर 10-15 दिन देखें ना तो डेली कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन, 150 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। इसके अलावा एक जो क्लास थी वो थ्योरी वाली सी चल रही थी अपनी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन चल जाते थे, तो 150 तो मिनिमम था ही था, और लास्ट के 5-7 दिनों में तो एक एक क्लास में 70-80 एक घंटे में ऐसी एवरेज चल रही थी, इतने क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो मेरा मेन एम जो आपको बोलने का है वो ये है यहाँ पे कि इन केस अगर आप नेक्स्ट SSC का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो SSC के सब्सक्रिप्शन में आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रिपेयर करना है या नहीं करना। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम आने से 5 दिन पहले आप ले रहे हैं, उन 5 दिन के अंदर पता है क्या होता है, पहले चीजें चल रही होती है, अभी जैसे शुरू में चलती हैं तो शुरू में चीजें चलती हैं स्लो पेस पे, आराम आराम से समझते हुए चलती हैं, फिर अपन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, तो बाकी सब बच्चे तो साथ जो चलते हुए आए शुरू से वो तो अच्छी स्पीड पर पहुंच जाते हैं, फिर जो लास्ट में ज्वाइन करता है जो बच्चा उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको उस स्पीड से मैच करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, जब सारे बच्चे एकदम से आंसर दे रहे होते हैं वो नहीं दे पाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है वहां पे। तो मैं यही बोलूंगा कि वहां पे जब भी आपको करना हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। हां जी, इसके अलावा आपका कुछ आपको प्रॉब्लम है, मैंने जो पढ़ाया है उस सब से काम SSC में दोस्त बिल्कुल काम आएगा, जो भी टेक्निकल अपन पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल काम आएगा, और अभी जो आने वाला टाइम है उसमें तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अलग लेके आएंगे जिससे आपकी SSC की तैयारी और अच्छी हो जाए। मैराथन क्लासेस बिल्कुल लेके आएंगे और मैराथन भी करवाएंगे, अभी अपना बस RRB हो जाए उसके बाद अपन पूरा प्रॉपर SSC पे फोकस रखेंगे।
न्यूमेरिकल ज़्यादा करें क्या? न्यूमेरिकल अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा कर लीजिए, आरआरबी के लिए तो अब कुछ भी नहीं है। आरआरबी के लिए तो अगर मैं बोलूं कि अब आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, एक दिन बचा है, एक दिन के अंदर आपको बस जो आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज़ करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, दो दिन में कुछ उल्टा सीधा मत खाना। बाहर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसीलिए बस जो भी आप घर का खाना अगर साथ लेके गए हैं तो वो प्रेफर करिए, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो कुछ भी हेल्दी चीज़ें खा लीजिए रादर देन कुछ भी जंक फूड खाएं या फिर बाहर का अनहाइजीनिक खाना ना खाएं। तबीयत नहीं ख़राब करनी है, अगले दो दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तैयारी सबकी अच्छी है? एक बार तैयारी बता दीजिए सबकी कैसी है, सबकी प्रिपरेशन अच्छी है? एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त। समझाने के लिए YouTube नहीं, समझाने के लिए YouTube प्लस सब बढ़िया है। सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है, एक जो डिलीवर कर रहा है उसका एटीट्यूड, उसकी इच्छा कि भाई कितनी शिद्दत से पढ़ाना है या पढ़ाना है, और दूसरा जो पढ़ रहा है कि उसको कितना पढ़ना है। जब दोनों का सिंक होता है तभी अपन प्रॉपर पढ़ पाते हैं, तभी प्रॉपर एजुकेशन जो है वो मिल पाती है, वरना जस्ट लेक्चर डिलीवर करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, और पढ़ाई अटेंड करना, क्लास अटेंड करना इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग थिंग। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है कि कितना समझ आया है, जिसने पढ़ाया और जिसने पढ़ाया। HSSC का पेपर संडे तक है, ऑब्जेक्टिव कल तो और करवा देंगे। सेफ अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं, सेफ अटैम्प्ट आप सब बोलते हैं सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो सेफ अटेम्प्ट दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया, अब चलो ठीक है ऐसे डाउट जो भी आप पूछ लीजिए, आज अपने पास 10 मिनट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कल कोई वीडियो ना देख पाए, अगर क्योंकि टाइम होता है स्ट्रेस होता है, फिर भी अपन कल की वीडियो भी शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। सेफ अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 150 में से मैं यही बोलूँगा कि आप पेपर को कोशिश करना, अगर पेपर आपका रैंडम बेस्ड आता है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी अपीयर हो रहा है, उस केस में आप क्या करिए, पेपर को दो स्टेजेस में करेंगे। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करेंगे, फटाफट बस क्वेश्चन देखेंगे, ये हो रहा है तो टिक किया, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट, तो इस हिसाब से आप चलते जाइए, और ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही टिक हो जाए वो हाथों हाथ कर दो। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, या मेरा टाइम जाएगा, क्योंकि अपने पास हैं कितने 120 मिनट हैं और 150 क्वेश्चन है, तो ये जो 120 मिनट है ना, इस 120 मिनट में एक एक चीज़ काउंट कर जाएगी, तो जो भी पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, सब कुछ करना है, ये 120 मिनट से पहले कर लेना है, वो 120 मिनट में आप पूरा प्रॉपर फोकस्ड रहेंगे पहली बात। तो दूसरी बात, जो भी चीज़ें होती हैं ना, सिंपल चीज़ें, क्या क्या मटेरियल साथ कैरी कर सकते हो, क्या नहीं कैरी कर सकते, जूते चप्पल क्या पहन के जाना है, सब कुछ प्रॉपरली एक बार नोटिफिकेशन पे पढ़ लीजिए, उसी अकॉर्डिंग जाएं, पता लगे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं फुल स्लीव शर्ट नहीं पहननी, आप प्रेफर यही करिए कि हाफ स्लीव पहन के जाइए, टी शर्ट पहन के जाइए, शर्ट्स वगैरह मत पहनिए, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं वो ऑब्जेक्ट कर देते हैं, फुल स्लीव शर्ट्स अलाउ नहीं करते हैं, कुछ भी आप अगर ऑर्नामेंट पहन रहे हैं वो अलाउ नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें लेके ही ना जाएं, वॉचेस ना लेके जाएं, तो इन चीज़ों से बचें, अपना टाइम बचाएं वहाँ पे, ठीक है, कि आप अननेसेसरली जो एग्ज़ाम का टाइम होता है ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों से और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, तो वो चीज़ें नहीं करिए। उसके बाद सेफ स्कोर की अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में आपने ये कर लिया, सेकंड स्टेज के अंदर वो वाले क्वेश्चन अब आपके ऊपर है, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप हर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे कि ये वाला क्वेश्चन मुझे बाद में करना है, या फिर आप सिंपल दो स्टेप अपनाइए, फटाफट देखते जाइए जो हो गए वो ठीक है, जो सेकेंड राउंड में आइए सेकेंड राउंड में आप बस देखते जाइए, जो हो रहा है जो थोड़ा टाइम लग रहा है उस पर आप टाइम लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, और जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो वहीं पे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, आप फटाफट मार्क भी कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू उन क्वेश्चंस को अलग रखने के लिए जो आपको बाद में करने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप सिंपल दो स्टेजेस में ब्लाइंडली चल लीजिए या मार्क करते हुए चल लीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर, किस कैटेगरी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, या किस कैटेगरी पोस्ट के अंदर आप क्वालिफाई हुए हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, तो इन चक्करों में आप मत पढ़ना। पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, पेपर रहेगा इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से ऊपर नहीं जाएगा, इजी टू मॉडरेट पेपर आपका रहना चाहिए। उसके अंदर अब इस चीज़ पे ही डिपेंड करता है कि अगर इजी आ गया तो डेफिनेटली हर बच्चा कर पाएगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सेफ स्कोर है 100 नंबर, मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल ये बोल दूं कि 100 नंबर प्लस 100 प्लस करोगे तो सेफ है,
100 प्लस पता लगे पेपर बहुत इजी आ गया, बहुत ही बेसिक लेवल आ गया तो हर बच्चा करके आ जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे 100 प्लस करने हैं, आप 105 110 करके आ जाओगे ये सोच के कि हाँ 100 प्लस तो सेफ बताया था सर ने और मैंने तो 110 कर दिया है तो मैं सेफ कंडीशन में हूँ। पता लगे हर बच्चा 110 करके आ रहा है तो ऐसा नहीं होता, ऐसे अपना माइंड सेट नहीं बनाना है आपको। हो सकता है पेपर बहुत ईजी आ जाए, हो सकता है वो पेपर आपके लिए ईजी लग रहा हो बाकियों के लिए टफ है, लेकिन आपने सोचा कि 100 ही करना है तो आप 100 110 कर रहे हो सकता है आपको 120 तक आते हो। तो बस ये चीज अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना है, आपको बस ये दिमाग में लेके चलना है कि आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सेफली। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है दोस्त, जो भी आपको डाउटफुल लगे ना मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि सीबीटी वन गवाह है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अगर सिर्फ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 80 प्लस अटेम्प्ट करके आए थे, मान लीजिए 85 उसने किए, उसको कट ऑफ के लिए सिर्फ कितने चाहिए थे 70 चाहिए थे, लेकिन उसने नेगेटिव इतने कर दिए कि नेगेटिव के कारण अगर वो नेगेटिव वाले नहीं अटेम्प्ट करता तो 70 प्लस तो वो आराम से ले आता, ऐसे बच्चे थे बहुत सारे। तो ऐसी गलतियां अपने को नहीं करनी है, अब उनसे सीखना है अपने को यहां पे। तो अगर आपको जो लगे डाउटफुल क्वेश्चन हो मत करना अटेम्प्ट। इसके अलावा कुछ वाईफाई स्टडी का टी शर्ट पहन के जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा बस मत रखना कि कट ऑफ कितनी जाएगी या कुछ भी जाएगा, तो जो आप जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप अटेम्प्ट करके आइए, नेगेटिव कम से कम करना है। इसके अलावा कुछ और है तो बताइए। हाँ जी, डेली शेड्यूल हमारा तो अभी यही है दोस्त, उठो तब से लेके आपकी क्लासेस का काम शुरू हो जाता है और जब तक सोते हैं लैपटॉप किताबों के साथ ही, ठीक है, वहीं पड़ी रहती हैं, वहीं चलता है। तो अभी तक तो वही शेड्यूल था, आरआरबी अब जाएगा उसके बाद थोड़ा शेड्यूल जो है उसमें खुद के लिए टाइम मिलना लगेगा, अभी तक तो यही चलता था दोस्त, लिटरली यही चल रहा था। सब चीज़ें पीछे छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ चुके हैं, सिर्फ ये रहता था कि आज की क्लासेस में क्या क्या होना है, उन क्लासेस में कैसे चीज़ों को अपन बेटर वे में बता सकते हैं, कैसे चीज़ों को ईजी बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर ही वर्क चलता रहता है थ्रू आउट द डे। तो जब तक आरआरबी चल रहा था तब तक तो यही है। जयपुर सेंटर में आएंगे, देखते हैं दोस्त। प्लेलिस्ट, हाँ जी, प्लेलिस्ट के बारे में आपको ये बता देता हूं मैं कि जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट दो काम कर सकते हैं, या तो आप खुद की प्लेलिस्ट बना लीजिए, या फिर जैसे मैंने कर रखा है, मैंने अपनी आईडी से मैंने खुद प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन प्लेलिस्ट में वीडियोस कभी डिलीट नहीं होंगी, वीडियोस एज इट इज रहती है, बस ये जो आपको प्लेलिस्ट दिखती है ना जो वाईफाई स्टडी के जो होम पेज पे दिखती है आपको यूट्यूब पे, वो वहां पे एज इट इज रहती है। तो चाहे तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, या जो मैंने बना रखी है, आप संदीप जानी से सर्च करेंगे तो वहां भी आपको दिख जाएगा, चाहे आप वहां से ऐड कर सकते हैं तो वहां से भी आपको प्लेलिस्ट वहां वीडियोस दिख जाएंगी आपको वहां पे, तो वहां से जब भी आपको जरूरत पड़े आप वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, चाहे आप मेरे नाम से सर्च कर लेना आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जो वीडियोस ऐड नहीं किए मैं ऐड कर दूंगा उनको भी, तो वो आपको इजीली एक्सेसिबल रहेगी वहां से। यहां से वाईफाई स्टडी से वीडियो डिलीट नहीं होगी, लेकिन ये प्लेलिस्ट हो सकता है हट जाए, जो आपको दिखती रहती है वो प्लेलिस्ट हो सकता है हट जाए, क्योंकि जो भी नए बैचेस आ जाएंगे फिर उनका डिस्प्ले करवाना होता है ना इजमेंट के लिए सबके। ए लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं? ए लेवल के इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्त। आशीर्वाद कुछ नहीं है, आशीर्वाद ऊपर वाले का दोस्त, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपने मेहनत की है तो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मेहनत और लक और थोड़ा बहुत आपका जो दिमाग होता है ना ये बहुत फैक्टर हो जाता है। पूरे साल आपने क्या पढ़ा इससे ज़्यादा ये मैटर करेगा कि उन दो घंटों में आपका दिमाग कैसे चल रहा है, उन दो घंटों में आप कैसे रहते हैं, अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हैं, उस दो घंटों के टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, इन 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे डाले गए होंगे एग्जामिनर के जो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए होंगे, और हो सकता है वो 10 क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग के ही हो, एक से लेके 10 के वही क्वेश्चन हों जिनको देखते ही आपको ये लग जाए कि ये पेपर तो भाई बहुत हाई लेवल चला गया, अपने बस की बात नहीं है। एग्ज़ाम का क्रैक करने का दो ही तरीके होते हैं, पहला होता है हार्डवर्क, हार्डवर्क का मतलब होता है कि स्टडी या फिर नॉलेज, लेकिन ये नॉलेज क्या हम 100% ले सकते हैं हर चीज़ का? नहीं ले सकते। तो 100% 150 में से 150 तो हमें चाहिए नहीं, ना हम ला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या होता है, यूज़ योर माइंड। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है,
यूज योर माइंड, या फिर आप ये कह लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमें क्या यूज करना होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना दिमाग उस टाइम लगाना है, उन 150 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो कि हम कर सकते हैं। बस ट्रिक यही होती है, स्ट्रेटेजी यही होती है। क्वेश्चन सभी के लिए वही होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रैक करते हैं, कुछ लोग क्रैक क्यों नहीं करते, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन 10 डाले हैं ना आपको परेशान करने के लिए, कुछ बच्चे बस उन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं। हमें इजी वाले क्वेश्चंस ढूंढने हैं, हमें बस इसी टारगेट की तरफ जाना है, यही हमारा सिलेक्शन करवाएंगे। तो जो इजी हैं, जो हर कोई कर सकता है, उसके ऊपर। वाईफाई स्टडी की टी शर्ट आपको बिल्कुल मिलेगी, एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन के बाद एक बार आप चाहे हमें ईमेल कर देना आप, या फिर आप खुद पर्सनली आ सकते हैं, कॉल कर लेना, कैसे भी। अपन ये तो बाद की प्लानिंग है कि जो जो सिलेक्ट होंगे वो उनको कॉल किया जाएगा, या कुछ ऐसा होगा फंक्शंस वगैरह जिनके अंदर रिवॉर्ड भी किया जाएगा उनको, तो उसकी बात टेंशन मत लीजिए। अभी तो आप फिलहाल अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए। दो घंटे 150 क्वेश्चन दोस्त, यही है, 100% के पीछे भागना ही नहीं है हमें। हमें बस वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो हम कर सकते हैं, और उसी पे हमारा सिलेक्शन लिखा होता है। ज़रूरी नहीं है हमें सब कुछ आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमारा नॉलेज एकदम तोड़ होना चाहिए। हमें उतना आना चाहिए जितने से सिलेक्शन होता है, हमें वो क्वेश्चन ढूंढने हैं। और मुस्कुराइए, आप सिविल में हैं, ठीक है, और बच्चे बच्चा जानता है कि सिविल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों से आप फिर भी कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम ड्यूरेशन में आपने जो सीखा है वो है मेहनत, मेहनत करना, ठीक है। तो अगर आपको मेहनत करना आता है तो आप कुछ भी कर लेंगे ज़िंदगी में, कुछ भी कर लेंगे। एक एग्ज़ाम जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जेई भी बन गए ना तो भी ये आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा कि हाँ बस जेई बन गए और हो गए, मस्त बैठ जाओ। नहीं बैठोगे आप, लिखवा के ले लो। जिस दिन भी बन जाओगे उससे एक महीने के अंदर अंदर सोचना शुरू कर दोगे कि अब आगे क्या करूं मैं। तो लाइफ नेवर स्टॉप्स एट अ सिंगल थिंग, ठीक है। हम हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर देखते रहते हैं, और हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें देखना भी चाहिए, हमें ग्रोथ देखनी चाहिए, हमें एक चीज़ के ऊपर सेटल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भागते रहो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, सेल्फ कोई खुद का टाइम ना रखो, सब कुछ रखो, प्रॉपर लाइफ होनी चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि ग्रोथ देखनी चाहिए। आज आप जहाँ पे खड़े हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है फ्यूचर के साथ, लेकिन इतना इंश्योर कर लो कि आज आप जिस आप स्टेप अप मेथड अपना लो। अगर आपको कभी भी नहीं समझ आता है कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, तो बस स्टेप अप। आज जहाँ पे खड़े हो ना, वहाँ से बस एक नेक्स्ट स्टेप ऊपर ले लो। कहीं भी जो भी आपको बेटर दिख रहा है वहाँ पहुँच जाओ। इस मेथड से आप चलते जाओगे तो एक रास्ता तो आपको ज़रूर दिखाई देगा एक दिन, जो एलिवेटर मिलेगा आपको एकदम से, जो आपको यहाँ से एकदम से राइज कर देगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन इज कि मूव करना शुरू करो, यहाँ पे मत रुके रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है संदीप जानी, और स्टूडियो में मौजूद थे आपके साथ अभिषेक सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आप कल वीडियो देख पाए तो कल भी मिलेंगे अपन। थैंक यू सो मच।